जो कृष्ण भगवान खुद विष्णु भगवान के अवतार थे, जिन्होंने गांव के लोगों को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को टिचली उंगली पे उठा लिया था 7 दिनों तक, उनके द्वारा बसाई गई द्वारका नगरी आखिर डूबी कैसे, मैं आपको बताता हूं। तो श्री कृष्ण की मृत्यु और द्वारका नगरी के डूबने के पीछे दो रीजन थे। पहली, जब महाभारत के युद्ध के बाद युधिष्ठिर का राज तिलक हो रहा था, तब गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया था कि जिस तरह से मेरे पुत्रों का विनाश हुआ उसी तरह से पूरे यदुवंश का विनाश हो जाएगा। और दूसरा श्राप श्री कृष्ण के पुत्र श्याम को ऋषियों ने दिया था। तो कुछ शरारती दोस्तों ने श्याम को साड़ी पहना के ऋषियों के सामने ले जाके पूछा कि ऋषिवर बताइए इस स्त्री को लड़का होगा या लड़की, और इसी बात से अपमानित ऋषियों ने उसको श्राप दिया था कि तुम एक लोहे के मुसल को जन्म दोगे जिसे कूटते हैं वो, और इसी के साथ सभी यदुवंशियों का खात्मा हो जाएगा। और महाभारत के 36 वर्ष पश्चात गांधारी और ऋषियों का श्राप सत्य हुआ और श्री कृष्ण ने यदुवंशियों को लड़ते और मरते देख खुद भी देह का त्याग कर दिया और द्वारका नगरी आखिरकार डूब। और ऐसी और जानकारियां प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए चर्चा क्रम चैनल को। यहाँ हम हॉरर स्टोरीज, कंस्पिरेसी थियरीज और ऐसी बहुत सारी चीजों की बात करते हैं प्रॉपर बड़े पॉडकास्ट पे 1.5 घंटे की वीडियो में। जाओ सब्सक्राइब।